visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. एसिड बेस इंडिकेटर प्रेफर्ड बाय हिम और हर विल बी सोच लो एंड देन गिव द आंसर बोलो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इफ द ऑल्फैक्टरी वर्ड इज गिवन देन वी विल राइट डाउन ऑल्फैक्टरी इफ द ऑल्फैक्टरी की जगह पे दे कैन मेंशन ऑनियन वनीला ऑनियन एंड क्लोव ठीक है Team B. Zinc granules mixes with dash to produce hydrogen gas. Okay, right? Which gives up a popping sound. Okay, what comes in the dash? Options given hai. HCl, H2SO4, HNO3, Ca3COH. Think and then speak. हाँ जी. अब. Why? मैंने पहले बोला था think and then speak. No, ठीक है. But मैंने option ही आपको गलत दिए. मैंने बोला है HCl, H2SO4, HNO3CATCOH. तो मैंने आपको we are not writing like कि हम मैंने आपको जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर दो कि all मैंने all of these three word use किया मैंने चारों acids बोले when metals react with the acid they give rise to the hydrogen gas which burns with a popping sound. तो यहाँ पे HCl भी एसिड है, H2SO4 भी है, HNO3 भी है और CH3COH. All above. Sodium carbonate. नहीं मैंने और अब आप चारों बोल दो. Acetic acid. CH3COH. क्योंकि CH3COO negative हो जाता है, ion negative है, H positive. Sodium carbonate is a क्या है? उस ऑप्शंस में मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस वीक आप खुद ही बता दो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे सबको आता है यहाँ पे एनएओएच जी बताना मुझे Na2CO3 क्यों है कौन सा सॉल्ट है इसके अंदर हाँ जी आप तो हाँ जी सोडियम कार्बोनेट उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होने में पड़ा है हाँ मैं क्वेश्चन भी कर सोडियम कार्बोनेट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बाय हाउ हाँ जी Na2CO3 that means ये एक एसिड और बेस से बना है यहाँ पे सोडियम वर्ड आ गया सोडियम मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस CO3 कौन से चार एसिड करे आपने HCl H2SO4 HNO3 एंड CH3COOH HCl भी स्ट्रॉन्ग है H2SO4 भी मतलब HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है ठीक है CH3COOH weak acid. So it is formed by the strong base and the weak acid. Next question. Iron does not react with the air. Okay, iron does not burn with air, but sprinkles of iron. दोबारा बोल ऑप्शन दे सोडियम बर्न्स विद एयर व्हाट टाइप ऑफ द कलर द फ्लेम ऑफ द कलर इज सोच के बोलना आप येलो चलो इधर टीम बी मैग्नीशियम बर्न्स व्हिच टाइप ऑफ द फ्लेम ऑफ द कलर
पोटेशियम बर्न्स, लाइन कौन सी, पोटेशियम की क्रिम्सन नहीं है, पोटेशियम क्रिम्सन है, मैग्नीशियम व्हाइट एसलिंग फ्लेम है, सोडियम येलो है, पोटेशियम क्रिम्सन रेड, पोटेशियम क्रिम्सन है, थोड़ी रेडिश उसमें आती है, ग्लो में आती है। Assertion is metal oxides are acidic in nature. Reason: calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to form salt and water. सोच के बोलना, आई विल नॉट गिव द चांस। फ्रॉम दिस साइड नाउ द नेक्स्ट वेन पास ऑन Next, when copper sulfate crystals are heated in a dry boiling tube, they turn white. Right? Reason: water crystallization is the number of water molecules present in one formula unit of a salt. Assertion and reason are? आपका क्वेश्चन टेल मी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोर एल्केन प्रोसेस सोच के बोलना लिखो लिखो जो करना बोलो एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोर एल्केन प्रोसेस कर लो टिक टिक वन What is write an equation in the form of equation explain the process of sodium carbonate decahydrate. Explain in the form of reaction of सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पूरी बोल दो आई एम सेइंग इन द इक्वेशन पूरी एक्सप्लेन करो बताने दो हु विल एक्सप्लेन द रिएक्शन टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या बात है क्या बात है सही क्या